फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G34 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं मैसेज के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल फोन का कॉल लॉग ओपन करना है। इस कॉल लॉग में आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है क्विक रिस्पॉन्स का, क्विक रिस्पॉन्स में सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए 4 लाइनें आपको मिलते हैं इंग्लिश की, तो आप अपने तरीके से भी यहाँ पे कुछ लाइनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐड कर रखी है, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, किसी भी लाइन को सिलेक्ट कीजिए। अब ये लाइन आ जाएगी ना, तो यहाँ पर आप जो है ना अपने तरीके इसे कट कर दीजिए लाइन को, और अपने तरीके से कुछ भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके पे टैप कर देना, तो जो भी आपने लिखा होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, देखिए, जब कभी आपके मोबाइल फोन पे इनकमिंग कॉल आएगा ना, तो इनकमिंग कॉल आने पे आपको नंबर पे टैप करना है, नंबर पर, ठीक है। तो आपका इस तरीके से पेज हो जाएगा, इसमें आपको नीचे मैसेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपका ये पेज आता है वही वाला जो लाइन आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए, जो मैं ये मैसेज की लाइन है बाद में कॉल करता हूं, इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, तो इससे क्या होगा, इनकमिंग कॉल रिजेक्ट हो जाएगा और देखिए मैसेज जो है सेंड हो जाएगा। जिस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया था ना, उसी लाइन का मैसेज सामने वाले पर्सन के पास तुरंत पहुंच जाता है, जिससे सामने वाले पर्सन को यह पता चल सकता है कि आपने उनकी कॉल को रिजेक्ट क्यों किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं मैसेज के साथ, ठीक है।